तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोरियन वेब सीरीज का, जो कि आपको अमेजोन प्राइम वीडियोस पर देखने को मिलती है, द किंग ऑफ पिक्स। आप लोगों ने इस पर एक एनिमेटेड फिल्म भी देखी होगी जो कि कोरियन इंडस्ट्री में ही बनी है, तो उसका ये एक लाइव एडेप्टेशन है। इसमें टोटल आपको 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे, 10 ही उंगली है, 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 44 मिनट से लेके 1 घंटे 2 मिनट के, हालांकि 44 मिनट का सिर्फ एक ही एपिसोड है। खैर, आपको कोरियन, हिंदी, इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाते हैं। शो की कहानी फोकस करती है 3 दोस्तों पर, खोंग जोंग मिन, जुंग जोंग सुक, किम चुल। लेकिन इसमें से जो खोंग जोंग मिन है, इसके साथ स्कूल में बहुत ज्यादा रैगिंग होती थी, इसकी वजह से खोंग जोंग मिन काफी ज्यादा परेशान रहता था, और इसी में उसकी मदद करता था जुंग जोंग सुक। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होता है, 20 साल बाद खोंग जोंग मिन अपनी ही बीवी का मर्डर कर देता है, फिर उसके बाद वो बैक टू बैक मर्डर्स करता है। तो वो मर्डर्स क्यों करता है, इसके पीछे की वजह क्या है, और उसके बाद कहानी में क्या बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। यकीन मानो, जिस लेवल का मैंने आपको समझाया शो, उस लेवल का नहीं, उससे कई ज्यादा बाप लेवल का शो है। खैर देखो, कोरियन इंडस्ट्री की मैं एक चीज तारीफ करूंगा, आप लोगों का पता नहीं आप लोगों ने कितने शोज या कितने एनिमेश मूवीज या कितनी वेब सीरीज देखी है, लेकिन मैंने बहुत सारे देखी, और वो लोग बुलिंग और रैगिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर वो लोग बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, और हर एक कंटेंट में वो ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये चीज कितनी गलत है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर शो को भी देखोगे तो यहाँ पर स्कूल वॉयलेंस, रैगिंग, बुलिंग, टीचर नेग्लिजेंस, आफ्टरमैथ ऑफ बुलिंग, एक जो साइकोलॉजी के इफेक्ट पड़ता है एक बंदे के दिमाग में जिसको पूरे साल रैगिंग किया है, आगे जाके उसके साथ क्या कुछ चीजें होती है, उस पर ये शो फोकस करता है। तारीफ करनी पड़ेगी कि इस तरह के शोज बनते रहना चाहिए ताकि जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आना चाहिए। और ये पर्टिकुलर शो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं खोंग जोंग मिन, जुंग जोंग सुक और किम चुल, ये तीनों ही कैरेक्टर से कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर पाओगे। क्या शो में कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरह से किया है, लिटरली बहुत अच्छी तरह से किया है। कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिस पर आपको सिंपति आएगी, लेकिन आगे जाके वो कैरेक्टर मतलब इस लेवल का बढ़ता है कि उससे आपको नफरत होगी, और कुछ कैरेक्टर से आपको स्टार्टिंग में नफरत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको जानोगे शो के दौरान, वैसे वैसे आपकी सिंपति उसकी तरफ जाती रहेगी। एंड में आप लोग ये डिसाइड करोगे कि भाई इसमें सही कौन था और गलत कौन था। एंड ये उन कोरियन वेब सीरीज में से एक है जिसकी जो एंडिंग है वो लिटरली शॉकिंग है भाई। वाह यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, बीजीएम मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिसने भी शो को लिखा है कमाल का लिखा, मतलब मोस्ट 12 घंटे आपको इस शो को देना होता है, 12 घंटे आप एज ऑफ द सीट रहते हो, और किसी वेब सीरीज के साथ ये मुमकिन नहीं होता, बट इस वेब सीरीज के साथ एटलीस्ट मुझे ये चीज फील हुई है कि यार मजा आ गया देखकर। उसके अलावा शो में जिस तरीके से स्कूल लाइफ बताई है, मतलब मैं वेट कर रहा था कि एपिसोड में कब वो फ्लैशबैक में जाए, कब वो सारी चीजें दिखाए, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी और इतनी डिटेल में, मतलब हर एक चीज लिटरली आप ऐसा लगता है कि स्कूल में उस वक्त पहुंच गए हो। एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के रैगिंग करते हैं तो उनको टीचर्स का भी साथ मिलता है, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी साथ मिलता है, तो इसलिए वो बच्चे इतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर बताई है, तो लिटरली मुझे लगा कि यार ये तो रियल बता रहे यार। और मैक्सिमम टाइम पे तो ऐसा होता नहीं, लेकिन कई जगहों पर एक्चुअली हमने भी हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ें फील की है, तो वो कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगा देखकर। एंड अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार वो बच्चे जो टीनेजर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, और वो जो एडल्ट एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। और यहाँ पर डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर ने एक चीज़ पर ध्यान दिया है, वो है लुक्स। चाहे वो जो टीनेजर्स हो चाहे वो यंग एक्टर्स हो, उन दोनों को लुक्स को इतना सिमिलर रखा कि हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बच्चा बड़ा होकर ऐसा ही दिखेगा। तो ये बताता है कि देखो मेकर्स ने कितनी मेहनत की है। वॉयलेंस की बात करो तो द अमाउंट ऑफ किलिंग्स यहाँ पर बताइए, जिस लेवल के किलिंग्स बताइए, गूज़बम्स लेकर आती है भाई, गूज़बम्स लेकर आती है। लेकिन साथ साथ वो बताती है कि वो उसके अंदर वो पेन कितना है। क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग कैसे देखोगे 12 घंटे के शो को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो किंग ऑफ पिक्स जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है आपको, अमेजोन प्राइम वीडियोस पर है। पेरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूंगा, शो में अश्लील कुछ नहीं है, हाँ लेकिन वॉयलेंस है तो उसका ध्यान देना, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि पेरेंट्स को देखनी चाहिए, उन हरामी बच्चों को देखना चाहिए जो रैगिंग करते, बुलिंग करते मजे के नाम पर, और उन बच्चों को भी देखना चाहिए जिन पर रैगिंग और बुलिंग होती है। और मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि जुंग जोंग सुक की तरह नहीं बनना, ना खोंग जोंग मिन की तरह बनना, अगर आपको बनना है तो किम चुल की तरह बनना, और वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ दिस शो किम चुल।
तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी, और हाँ कमेंट करो, कमेंट नहीं करते आप लोग, हाँ इस वीडियो को शेयर भी कर देना फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ आपको शेयर करना है कर देना, शो को मैं रेटिंग देना भूल गया जो कि मेरी तरफ से 9 out of 10, बाय।